हेलो दोस्तों, आईटीआई क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेड थ्योरी टर्नर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, एक बहुत सूक्ष्म छेद बनाने के लिए परिचालन का सही क्रम है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ड्रिलिंग, टैपिंग, हॉनिंग। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपका ड्रिलिंग, रिमिंग, हॉनिंग। तीसरा ऑप्शन है आपका हॉनिंग, ड्रिलिंग, रिमिंग। और चौथा ऑप्शन है आपका ड्रिलिंग, लैपिंग, हॉनिंग। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ड्रिलिंग, रिमिंग और हॉनिंग। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, इसमें से किस भट्टी में स्टील बनाया जाता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पुलिंग भट्टी, दूसरा ऑप्शन है आपका ओपन हर्थ भट्टी, तीसरा ऑप्शन है आपका ब्लास्ट भट्टी, चौथा ऑप्शन है आपका क्यूपोला भट्टी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ओपन हर्थ भट्टी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रियाएं संतुलन की स्थिति का निर्माण करती हैं। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नॉर्मलाइजिंग और टेम्परिंग, दूसरा ऑप्शन है आपका हार्डनिंग और नॉर्मलाइजिंग, तीसरा ऑप्शन है आपका एनिलिंग और नॉर्मलाइजिंग, चौथा ऑप्शन है आपका एनिलिंग और हार्डनिंग। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एनिलिंग और नॉर्मलाइजिंग। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, सेट ओवर विधि से टेपर काटते समय निम्न में से किस सेंटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्लेन सेंटर, दूसरा ऑप्शन है हाफ सेंटर, तीसरा ऑप्शन है बॉल सेंटर, चौथा ऑप्शन है रिवॉल्विंग सेंटर। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बॉल सेंटर। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस अपघर्षक का प्रयोग अलोह धातु की लैपिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है आपका सिलिकॉन कार्बाइड, तीसरा ऑप्शन है आपका हीरा, चौथा ऑप्शन है आपका बोरोन कार्बाइड। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, व्यास आपको दिया गया है 50 मिलीमीटर एवं 150 मिलीमीटर के बीच के पाइपों को पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है फुट प्रिंट रिंच, दूसरा ऑप्शन है चैन पाइप रिंच, तीसरा ऑप्शन है पाइप रिंच, चौथा ऑप्शन है आपका पाइप वाइस। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, चैन पाइप रेंच। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, स्प्लिट पिन को किस प्रकार की नट को लॉकिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ग्रूव नट, दूसरा ऑप्शन है आपका लॉक नट, तीसरा ऑप्शन है आपका स्वान नट, चौथा ऑप्शन है आपका कैस्टल नट। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कैस्टल नट। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, हार्ड डाई गर्म धातु को काटने में प्रयोग की जाती है तथा यह बार बार प्रयोग करने से अपनी कठोरता खो देता है, इसके लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका, इसे अच्छी तरह हार्ड कर लेना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है आपका, इसे प्रयोग करने उपरांत खुली हवा में छोड़ देते हैं, तीसरा ऑप्शन है आपका, इसके कटिंग एज को बार बार कूलिंग करना चाहिए, चौथा ऑप्शन है आपका, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इसके कटिंग एज को बार बार कूलिंग करना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, ब्रास मेटल का संघटन क्या होता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है तांबा और जस्ता, दूसरा ऑप्शन है आपका तांबा और टीन, तीसरा ऑप्शन है आपका जस्ता और टीन, चौथा ऑप्शन है आपका तांबा और चांदी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, तांबा और जस्ता। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा विनिमयशीलता का लाभ नहीं है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है परीक्षण तथा त्रुटि विधि अपनानी पड़ती है, दूसरा ऑप्शन है आपका स्पेयर मार्केट में उपलब्ध होते हैं, तीसरा ऑप्शन है आपका पार्टी की कीमत कम होती है, चौथा ऑप्शन है आपका उत्पादन बढ़ता है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, परीक्षण तथा त्रुटि विधि अपनानी पड़ती है। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से ऊष्मा उपचार का उद्देश्य कौन सा है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ऊष्मा क्षरण के प्रतिरोध को कम करना, दूसरा ऑप्शन है आपका कठोरता और तन्य शक्ति कम करना, तीसरा ऑप्शन है आपका कठोरता को बढ़ाना तथा तन्य शक्ति कम करना,
और चौथा ऑप्शन है आपका कठोरता और तन्य शक्ति में वृद्धि करना। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कठोरता और तन्य शक्ति में वृद्धि करना। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, रिटर्न रहित वॉल्व का उपयोग निम्नलिखित में से किस तरीके से जल प्रवाह करना है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है द्विमार्गी प्रवाह, दूसरा ऑप्शन है आपका त्रिमा प्रवाह, तीसरा ऑप्शन है आपका एक मार्गी प्रवाह, चौथा ऑप्शन है आपका चार मार्गी प्रवाह। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एक मार्गी प्रवाह। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, खालिस्तान में मिलिंग कटर को स्पिंडल पर उठाया जाता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है वर्टिकल मिलिंग मशीन, दूसरा ऑप्शन है आपका हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, तीसरा ऑप्शन है आपका प्लेनो मिलर, चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, वर्टिकल मिलिंग मशीन। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, एल्यूमिनियम जॉब की फाइलिंग के लिए फाइल का प्रकार का चयन करें। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है एकल कट फाइल, दूसरा ऑप्शन है आपका दूसरी कट फाइल, तीसरा ऑप्शन है आपका बास्टर्ड कट फाइल, चौथा ऑप्शन है आपका रबड़ कट फाइल। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, रबड़ कट फाइल। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, व्हील में प्रयुक्त एब्रेसिव कणों को बॉन्ड द्वारा पकड़े रहने की शक्ति को क्या कहते हैं। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है ग्रिट, दूसरा ऑप्शन है आपका बॉन्ड, तीसरा ऑप्शन है आपका ग्रेड, चौथा ऑप्शन है आपका स्ट्रक्चर। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रेड। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, किसी भी पाइप या सिलेंडर के फ्लैंज पर सुराखों की ड्रिलिंग के लिए खालिस्तान जिग प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है वॉइस जिग, दूसरा ऑप्शन है आपका डायमीटर जिग, तीसरा ऑप्शन है आपका चैनल जिग, चौथा ऑप्शन है आपका रिंग जिग। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, रिंग जिग। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, इसे सेल्फ सेटरिंग चक कहते हैं। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है फोर जा चक, दूसरा ऑप्शन है आपका कॉलेट चक, तीसरा ऑप्शन है आपका मैग्नेट चक, चौथा ऑप्शन है आपका श्री जा चक। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, श्री जा चक। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, क्लास ए टाइप के अग्नि के लिए ईंधन है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है गैस एवं द्रवित गैस, दूसरा ऑप्शन है आपका ज्वलनशील द्रव एवं द्रवणीय ठोस, तीसरा ऑप्शन है आपका कास्ट कपड़ा कागज, चौथा ऑप्शन है आपका विद्युतीय उपकरणों में अग्नि एवं धातु अग्नि। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कास्ट कपड़ा कागज। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, घर्षण का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है, निम्न में से कौन सा घर्षण का लाभ नहीं है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है बेल्ट द्वारा शक्ति का संचालन घर्षण द्वारा होता है, दूसरा ऑप्शन है आपका घर्षण के कारण मशीनों की शुद्धता प्रभावित होती है, तीसरा ऑप्शन है आपका बॉल बियरिंग व रोलर बियरिंग घर्षण के कारण घूमते हैं, चौथा ऑप्शन है आपका घर्षण के कारण हम पृथ्वी पर चल फिर सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, घर्षण के कारण मशीनों की शुद्धता प्रभावित होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, मृदु इस्पात खंडों में स्थायी संधियों को खालिस्तान द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है बोल्ट तथा नट, दूसरा ऑप्शन है आपका वेल्डन, तीसरा ऑप्शन है आपका शीतलन, चौथा ऑप्शन है आपका क्वथनांक। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वेल्डन। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा एक कोण माप यंत्र नहीं है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है कोण प्लेट, दूसरा ऑप्शन है आपका साइन बार, तीसरा ऑप्शन है आपका बेवल प्रोटेक्टर, चौथा ऑप्शन है आपका एंगल गेज। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कोण प्लेट। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, हार्ड ग्रेड व्हील खालिस्तान धातुओं की ग्राइंडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए, पहला ऑप्शन है कठोर, दूसरा ऑप्शन है आपका नरम, तीसरा ऑप्शन है आपका साधारण, चौथा ऑप्शन है आपका ये सभी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नरम। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, ब्लैकिंग परिचालन में अवरूपण कोण प्रदान किया जाता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है डाइपर, दूसरा ऑप्शन है आपका पंच पर, तीसरा ऑप्शन है आपका पंच और डाई दोनों पर, चौथा ऑप्शन है आपका एकदम प्रदान नहीं किया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पंच पर। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लेथ मशीन को विनिर्दिष्ट करने के लिए नहीं किया जाता है।
ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है लेथ की ऊंचाई, दूसरा ऑप्शन है आपका स्विंग, तीसरा ऑप्शन है आपका बेड की कुल लंबाई, चौथा ऑप्शन है आपका केंद्रों के बीच की दूरी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लेथ की ऊंचाई। इसके बाद आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपका, स्टील के लिए ऊपरी महत्वपूर्ण तापमान क्या है? ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है हीटिंग की दर पर निर्भर करता है, दूसरा ऑप्शन है आपका कूलिंग की दर पर निर्भर करता है, तीसरा ऑप्शन है आपका स्थिर है, चौथा ऑप्शन है आपका स्टील में कार्बन की मात्रा के अनुसार बदलता रहता है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ही होगा, स्टील में कार्बन की मात्रा के अनुसार बदलता रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की।